बोलो। मैं हाँ, गर्मी से हूँ, दो लपट जाए। और मुंह तो ऐसे पानी से भर रहा है। ज्येष्ठ बाला गोरिया की, कैसे हो मित्रों आप सब लोग। मैं विपिन नेलवाल, केवाड़ घाटी, गनाई, चकोटिया, अल्मोड़ा, उत्तराखंड। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है, दिसंबर का महीना लग चुका है और हमने भी नींबू खाना स्टार्ट कर दिया है। नींबू चूक, जो कि सर्दियों में काफी खाया जाता है और हर कोई उत्तराखंडी बहुत ही पसंद करता है, और खासकर महिलाएं का। तो मुंह में नींबू का नाम लेते ही पानी तो हर किसी का आता है, लेकिन महिलाएं काफी पसंद करती हैं नींबू को। तो आज हमारा मन कर रहा है नींबू खाने का, तो हम ले आए हैं बाजार से नींबू। तो ये देख सकते हैं आप, अब इसमें थोड़ा सा नमक वमक की हमने तैयारी कर ली है। आपको चाहिए इसके लिए नींबू, दही, हैंकर चाहिए वैसे जो, तो थोड़ा टाइट वाला। अगर आपके पास गाय छा है, मतलब छाँस को हैंग करके अगर गाय छा है, तो उसमें काफ़ी बहुत ही मज़ा आता है उसको खाने के। तो उससे आप बनाइए इसको। आपको इस प्रकार छील लेना है नींबू को, फिर इसके छोटे छोटे पीस बनाने हैं आपने। आपको अभी दिख जाएगा वीडियो में, पूरी प्रोसेस आपको मिलेगी कि किस प्रकार से आपने बनाना है नींबू। काफ़ी मज़ा आता है इसको, स्वाद आता है। हर उत्तराखंडी काफ़ी इसको पसंद करते हैं। और यहाँ से आजकल ये देखिए, ये आ गया नमक, ये हमारा पहाड़ी नमक। एक्चुअली हमारा सिलपट्टा थोड़ा ख़राब हो गया था, और तो इसलिए हमने ये अब इसमें खाएंगे हम नींबू। नींबू खाएंगे और हाँ, पानी आ जा रहा है मुँह में। नींबू चटकारा लेंगे अभी नींबू का, देखना अभी दिखाते हैं आपको नींबू का पूरी वीडियो। तो आप जो नमक जो पीसेंगे, उसमें आप डालिए लहसुन और हरा धनिया। हरा लहसुन के पत्ते भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च, लाल मिर्च, और नमक को पीसिए उसको बढ़िया से ढंग से। और इसकी खास, सबसे जो बढ़िया, जो इसकी जो टेस्ट का जो बेस है, अब भांग, भांग के दाने जो हैं, भांग के दानों को पीस लीजिए आप, और थोड़ा हल्का भून के, तो उसको अगर मिलाएंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट और स्वाद और खुशबू आती है, जो मज़ा आता है ना। और इस प्रकार से आपने इनके बीज बीज निकाल लेने हैं, छोटे छोटे कणों में इसको बांट लेना है। और देखो मुंह में पानी भर जा रहा है मेरे को इससे देखते ही ना, मुंह पानी भरा जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है। और काफ़ी स्वाद और टेस्टी होता है नींबू। फिर हमने इसको भी खा लिए हैं एक दो, लेकिन अभी ये मैंने सोचा थोड़ा लोगों को बता दिया जाए। और तो आजकल इनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है शहरों में, लोग दिल्ली को बहुत मंगाते हैं इसको। दिल्ली में जो दिल्ली या और भी जो रहते हैं, जो पहाड़ी जिन्होंने खाया है, तो वो काफ़ी लोग मंगाते हैं इसको। इसमें अभी सर्दियों में जैसे नींबू हो गया, भट गहत हो गए, बड़ी हो गया, और आपके मडुए का आटा हो गया, चावल का आटा, इस तो सबसे फेमस ये भी एक नींबू भी रहता है कि नींबू भी हर कोई डिमांड करता है दिल्ली में या दिल्ली हल्द्वानी, जहाँ जहाँ नहीं मिलते हैं शहरों में, बाकी यहाँ पहाड़ों में तो मिल ही जाता है। तो काफ़ी यहाँ से अभी एक्सपोर्ट होता है ये बाहर के लिए भी, बाहर हमारे और राज्यों के लिए भी यहाँ से लेके जाते हैं हमारे प्रवासी भाई। हाँ मिलाओ, ये हमारा भांगड़े होने के लिए चूक नींबू, नींबू शानम गई, यह भांगुल भांगुल रोड जाएंगे, भांग का धुसा, पीसी भांग बी भांगुल बी पीस रही, मतलब मैं पाउडर भांग के बीज का पाउडर, यह है बूढ़ा, चीनी डाल सकते हैं आप, गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ वाला ज़्यादा बेटर होता है, और नींबू में और इसको मिला देना ऐसे। और ये मैं गायछा है, गायछा दिखाई नहीं तुमने, गायछा दिखाई है थी। हाँ, ये गायछा डाल रखी है, अभी मोटी हो गई है, थोड़ा पानी डालना पड़ेगा, थोड़ा इसमें पानी डालना पड़ेगा, ज़्यादा गाढ़ी हो गई, हैंग पैड हो गया ज़्यादा। अगर आपको ऐसा नहीं होता तो आप दही लाओ बाजार से, उसको कपड़े में छान लेना आप, ठीक है, उसको कपड़े को छान लेना आप बढ़िया ढंग से, फिर ऐसी टाइट हो जाएगी छड़ी दही आपकी। ये मिल गया है, अब पानी से मुँह भर गया है पूरा, अब बोलूँ कैसे मैं, पहले निकल लेता हूँ पानी को। ये देखो अब इसमें डलेगा हमारा सुसु नमक, कुहू नमक, आओ रे नींबू खाओ, आओ बुलाओ बुलाओ। तो ये बन रहा है नींबू यार, कुछ पर ही गर्मी से हूँ, दो लपट जाए। और हमारी एक नींबू पसंद करने वाली चाची हो तो दिल्ली चली गई है, दिल्ली में खाई गई है नींबू, वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ। हाँ, ये सबके लिए अभी यहाँ सबका हिस्सा रखा जाएगा, जो जो है फिर उसको मैं खा लूँगा, ठीक है, लेकिन हिस्सा सबका निकलेगा, ऐसा मत बोलना कि मालूम हमारे निकाला नहीं। हाँ कलू खतर फटाफट भाई, आह मज़ा आ रहा है। और आजकल तो बस यही खाना है, एक दिन छोड़ के यही खाना है। थोड़ा आई डाल नून, नून थोड़ा कम हो रहा, आह मज़ा आ जा रहा है। तो मित्रों इसमें जो है मीठा मीठा नमकीन दोनों डालना होता है, खट्टा, तो तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन है इसमें, तो काफ़ी मज़ा आता है इसमें खाने में। और आप इसमें गुड़ यूज कर सकते हैं, गुड़ गुड़ ज़्यादा बेटर होता है, चीनी भी यूज करिए, चीनी में ज़्यादा मिल जाता है वैसे प्रॉपर, लेकिन गुड़ थोड़ा हल्का कम मिलता है, बारीक गुड़ कटर के आप डाल सकते हैं। मेरे को मिल चुका थोड़ा चखने के लिए, मुँह तो ऐसे पानी से भर रहा है, जो स्वाद हुआ ना बता नहीं, मज़ा आ गया, कंठ खुल जा रहा है, कंठ कान और नाक
हाँ मोर सबको जाएगा, मजा आ जाएगा। तो पक्का आप जरूर खाना, रेसिपी आपको जरूर मिल जाएगी। और आपको आप जिसको रेसिपी चाहिए होगी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। और कैसा लग रहा है शेयर जरूर कर लेना, खा के देख दो कैसा हो रहा है, खा लीजिए। अरे आओ रे गोल आओ, तो जा निमोहा जाओ रावट ना दवा लगे सब गोल गोल तुझे। अब हम तो पहले थोड़ा खरीदूं मैं, इसे रख दूं मोटी जो बहुत जानी आओ ओ। तो मैं तब तक खा के आपको देखता हूँ। तो मित्रों काफी स्वाद बना है, काफी मजा आ रहा है मतलब खाने के, और इतना स्वाद बना है ना, हाँ मजा आ जा रहा है। आँख नाक कान सब खुल जा रहे हैं, जो उसका खटा है पन है और मीठा और तीखा बराबर रखा हुआ है हर चीज, हरी मिर्च का नमक, मजा आ रहा है बहुत। अरे तीखा बाहर बस गया, अरे भात खा दे मजा ना, नींबू खा घर के चल। ओ यार ओ मैं नींबू जब कब खा रहा हूँ बार बार दे रहे को ये बजाऊं बार बार में भाई अबे बजा रहा मगर से आग है तो मित्रों आप भी जरूर मनाएं और जरूर इसको खाएं, ठीक है। काफी बहुत ही बढ़िया है ये डिश जो है हमारे नींबू का अचार बोल सकते हैं इसको आप। तो ये आप बना के खाइए, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको इस प्रकार से खाने में, और सर्दियों में जरूर खाना चाहिए। ये देखिए ये इतना मैं खा रहा हूँ, अब ये पर डे चलेगा हमारा, एक दिन दो दिन छोड़ के बहुत मजा आता है, और जिसको खाना है वो आ सकते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत, वीडियो शेयर करना ठीक है, और कैसा लगा जरूर बताना हमको। धन्यवाद।